बीती रात दुर्ग के लुचकी पारा में पुरानी रंजिश के चलते हुए विवाद में कुछ लड़कों ने युवक के साथ चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले को लेकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दो परिवारों के बीच में हुए विवाद को लेकर बीती रात दुर्ग के लुचकी पारा वार्ड में रंजिश के चलते आकाश शर्मा पर धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया गया। यहां बता दें कि पूर्व रंजिश के चलते दो परिवारों में हुए विवाद के बाद शुक्रवार की रात कुछ लोगों ने आकाश शर्मा को घेर कर लगातार किसी धारदार चीज से वार किया, जिससे आकाश शर्मा पूरी तरह से घायल हो गया। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल आकाश शर्मा को उपचार के लिए शंकराचार्य हॉस्पिटल भेजा और मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार अभी घायल आकाश शर्मा पूरी तरह से खतरे से बाहर बताया गया है। इस संबंध में दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। घटना जो है लुचकीपारा के एरिया का है, वहाँ पे पुरानी रंजिश को लेकर आपस में दो परिवारों के बीच आपस में लड़ाई हुई थी और उनके विवाद को लेकर जो है इसमें जो है एक व्यक्ति को चोट आई, जिसे हॉस्पिटल रेफर किया गया। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसमें IPC की सेक्शन 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। मामले में विवेचना जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।